दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में पहला दिन का मैच खत्म हो चुका है। पाकिस्तान टीम ने 328 रन का स्कोर बनाया है 4 विकेट के नुकसान पे। अब्दुल्ला सफीकी ने सेंचुरी लगाया और वहीं कप्तान शान मसूद ने 151 रन की पारी खेली। निराशाजनक प्रदर्शन किया है बाबर आजम ने। 17 पारियां ऐसी बीती हैं जिसमें कि ये 50 का स्कोर भी नहीं बना पाए हैं टेस्ट मैचों में। काफी ज्यादा चिंता वाली बात होगी पीसीबी के लिए, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म में न रहना ये टीम को कहीं न कहीं भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बाबर आजम के पास जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे तो इनकी टीम में जगह बनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कप्तान ये है नहीं एज ए बैटर खेल रहे हैं। तो एज ए बैटर में काफी ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए पाकिस्तान टीम के पास में कि अगर कोई भी प्लेयर परफॉर्म ना करे तो उसकी जगह किसी और प्लेयर को फिट किया जा सके। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और इसे मुकाबले देखना चाहते हैं टीवी पे आप, तो टीवी पे आप ए स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स, इन तीन जगहों पे देख पाएंगे। वहीं अगर आप इंटरनेट के थ्रू यानी कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर किसी भी अन्य डिवाइस पे देखना चाहते हैं इस मुकाबले को, तो आप तमाशा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तमाशा ऐप पे इसका स्ट्रीमिंग किया जाएगा। वहीं अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको टीवी पे देखना है ये मुकाबला, तो टीवी पे इसका ब्रॉडकास्ट कोई भी चैनल नहीं कर रहा है क्योंकि किसी ने इसका राइट्स नहीं लिया है। तो वहीं अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको इंटरनेट के थ्रू देखना है आपको, चाहे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर किसी भी अन्य डिवाइस पे, तो आप फैन कोड नाम के ऐप पे देख पाएंगे। फैन कोड नाम के ऐप पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। बता दूं मैं आपको कि ये चार्जेबल है। बाकी दिक्कत परेशानी के लिए मुझे आप YouTube पे कमेंट करने के बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा।